अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनाब नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज क्या प्रोग्राम है ताहा भाई? भाई राशिद भाई, मेरा तो मूड ये बन रहा है कि कोई ज़बरदस्त सा मीठा खाने का दिल चाह रहा है, क्योंकि मसला ये है कि हम फास्ट फूड भी ट्राई कर चुके हैं और थोड़े से चटपटे आइटम भी खा चुके हैं। अब कोई मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी यूनिक डिश हो जो मीठी हो और यूनिक भी हो। खीर, रबड़ी, गाजर का हलवा, इस किस्म की चीज़ें तो हम खाते ही रहते हैं। कोई हट के मीठा खाने का दिल चाह रहा है जो मुझे पता चला थोड़ा सा डिफरेंट हो। मुझे मालूम चला है कि ये हसन स्क्वायर के पास जो है एक नई डिश जो है बेल्जियम की इंट्रोड्यूस कराई चंद नौजवानों ने। बेल्जियम की वो डिश है, और वैसे तो बेल्जियम में बताते हैं कि वहाँ पर नाश्ते में लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ जो कि पाकिस्तानी आपको पता है जब नई डिश आती है तो उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पर एज अ स्वीट डिश जो है लोग खा रहे हैं, और बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। देख लें राशिद भाई, ऐसा ना हो कि वो वैसे तो कराची वाले जो कराची का मीठा है या जो हमारा देसी मीठा है वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा सा ज़रा विलायती मीठा भी चल चेक के देख लेते हैं कि क्या ज़रूरत है। चलें ट्राई करते हैं। ओके, तो आइए आप लोगों को बताते हैं फिर। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई, जो कि यहाँ पे ऑनर हैं वॉफ्लिक्स के, तो इनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो इसको शुरू किया है और क्या आइडिया था। तो सर बेसिकली हम लोग गैप ईयर पे थे सारे दोस्त वगैरह, तो कुछ ना कुछ करना था, कुछ यूनिक लाना था। हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या करें करें क्या करें, और फिर बस ये है कि हम लोग को एक मार्केट में गैप नज़र आया, तो हम लोग ने उस गैप को इम्प्लीमेंट करना सोचा कि उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाए। काफ़ी महीने की वर्किंग थी हमारी, फिर हम लोग ने नाम पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स ही थीम से नाम हमने लिया है Wafflix। तो बस ये था कि इम्प्लीमेंट किया पहले हम लोग ने पिछले साल फरवरी में, तो फिर लॉकडाउन आ गया, फिर बंद हो गया था, फिर उसके बाद वापस से जब कंटिन्यू किया तो अल्लाह का शुक्र है आवाम का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और यही है कि आगे हम लोग को यही है इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हैं। हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिस्पॉन्स अच्छा है। बेसिकली हम लोग ज़ैबिस से और IBS से एफिलिएटेड हैं सारे बच्चे। और बस मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। वॉफल्स होते ये हैं कि बेल्जियन डिश है एक तरीके से, और डेजर्ट में सर्व की जाती है। बाहर तो ये ब्रेकफास्ट में होती है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको डेजर्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये है कि इसके ऊपर नुटेला की चॉकलेट होती है, और टॉपिंग्स होती हैं हमारे पास अलग अलग किस्म की, जिसके अंदर किटकैट है, ओरियो है, डेरी मिल्क है, M&M's है, गैलेक्सी है और टॉबलरोन है। और उसके साथ हमारे पास दो तीन और स्प्रेड्स भी होते हैं, जैसे M&M का स्प्रेड है और लोटस का स्प्रेड है। अच्छा जी, ये वेफल्स आ गया है, और ये मेरे ख्याल है कि मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा खा रहा हूँ ये, क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया कि ये बेल्जियम की डिश है और वहाँ नाश्ते में ली जाती है, तो पाकिस्तान में चूँकि पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है, ज़्यादा महीने नहीं हुए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर सेल होना शुरू हो गई है, लोगों ने सेटअप लगाना शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी जो है लग रहा है ये टॉपिंग हुई इसकी, आप ये देखें बहुत ही कोई ज़बरदस्त शशका लग रहा है, इनोवेटिव स्वीट डिश है। देखने में तो फुल हैवी लग रही है। मुंह में मेरे लग गया है, तो चॉकलेट लवर हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, और मुस्तकिल चॉकलेट खाने वाले हैं। ये तो
आपको लॉलीपॉप टाइप की चीज़ नज़र आ रही है, ये पूरा एक केक है और एक तरह से बेकिंग इन्होंने की हुई है। उसके ऊपर टॉपिंग जो लगाई है वो चॉकलेट की है और ओरियो बिस्किट जो है उसका जो चूरा होता है वो करके इसके ऊपर डाला हुआ है। और बेहतरीन, मतलब ये कि खाने के लायक है। पाकिस्तान में इसको बच्चे भी शौक से खा सकते हैं और बड़े भी जो शौकीन है चॉकलेट के, रखल है बेहतरीन है, ज़बरदस्त केक की तरह इसका ज़ायका है थोड़ा सा, मगर एक आप कह लेंगे डेवलप है, बहुत सॉफ्ट है स्पंज की तरह। और जो इस पर टॉपिंग हुई हुई है क्रीम्स की और मुख्तलिफ ओरियो बिस्किट्स की और बंटीज हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। मेरा मशवरा ये है कि, और मैं भी हाईली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई इनोवेटिव स्वीट डिश ट्राई करनी है तो ये लाजमी ट्राई करें, ज़बरदस्त आएगा।